स्प्रिंग या स्प्रिंग एनर्जी या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर देखें तो चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एनर्जी पार्ट। वर्क हमने कर लिया, अभी हम वर्क ही कर रहे थे, एनर्जी भी हमने कर ली। एनर्जी के अंदर काइनेटिक कर ली, पोटेंशियल पेंडिंग है। पोटेंशियल में दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी। तो आज हम सेकेंड एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या जिसका दूसरा नाम है स्प्रिंग एनर्जी। तो इसके लिए हमें स्प्रिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और पावर तो हमने कर ही ली, जो भी क्वेश्चंस कर लिए। तो ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो स्प्रिंग की एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको स्प्रिंग समझना पड़ेगा। तो आप साथ साथ प्लीज़ लिखें। तो इमेजिन करें कि ये वॉल है, और सपोज एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है कुछ ऐसे, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ के ऊपर है। नेचुरल लेंथ का मतलब है ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है, ठीक। साथ साथ ड्रॉ करें। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया, इसको स्प्रिंग को मैंने एक्सपैंड कर दिया, कैसे, बाय अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग को एक्सपैंड कर दिया बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्सपैंड हो गया, और कितना एक्सपैंड हो गया, इतना एक्सपैंड हो गया, लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये कितने है, एक्स, ठीक है, ये डिस्टेंस कितने है, एक्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर x इज नोन एज एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, लिखते जाओ, x इज एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है यहां तक। अब स्प्रिंग की जो नेचर है ना, वो इलास्टिक नेचर है। आप इसे छोड़ देंगे फोर्स लगाना तो अल्टीमेटली वापस आके इसी पोजीशन पे आ जाएगा, अपने नेचुरल लेंथ पे, ऐसा ही है। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि जब आपने फोर्स यहाँ लगाई तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गई, और उस फोर्स का नाम है स्प्रिंग की फोर्स। तो ड्रॉ करें। तो जो स्प्रिंग की फोर्स है वो आपकी अप्लाइड फोर्स से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जिसको वापस लेके आएगी। तो यहाँ पर एफ एस का मतलब है कौन सी फोर्स है, दिस इज स्प्रिंग की फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब रूल है कि आप जितनी एक्सपेंशन करेंगे, स्प्रिंग को जितना खींचेंगे, तो उतनी आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा टेन हो जाएगी, उतनी तेजी से स्प्रिंग भी वापस आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल है, लिखें। तो स्प्रिंग की फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब कोई कहता है कि जो आपकी फोर्स है, तो स्प्रिंग की फोर्स है, जो मेरी फोर्स है वो कितनी है, वो एफ है। जो मेरी फोर्स है वो भी एक्स के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो मैं फोर्स लगाऊंगा, जितनी एक्सपेंशन करना चाहूंगा, फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। और ऐसी जो स्प्रिंग की फोर्स है वो भी ज्यादा होगी अगर मेरी फोर्स ज्यादा है, इधर से मेरी फोर्स ज्यादा है उधर स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा है, दोनों एक्स के प्रोपोर्शनल है, क्लियर है यहां तक। तो ये मेरी फोर्स है, ये स्प्रिंग की फोर्स है। अब आपने इमेजिन करो कि दो किस्म के स्प्रिंग ले लिए, एक लोहे का बना हुआ स्प्रिंग है, एक मान लो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ स्प्रिंग है। लोहे का बना हुआ स्प्रिंग खींचना बड़ा मुश्किल है, सॉफ्ट आयरन आराम से खींचता है। तो आपने दोनों पे फोर्स लगाई सेम 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो क्या एक्सपेंशन सेम होएगी, नहीं होएगी। लोहे के स्प्रिंग में एक्सपेंशन कम होगी और सॉफ्ट आयरन में ज्यादा होगी। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 10 किस्म का मटेरियल का स्प्रिंग है और दोनों सब पे आपने फोर्स सेम लगाई तो एक्सपेंशन भी सेम होगी, गलत। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि जितनी एक्सपेंशन उतनी फोर्स है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, और वो है स्प्रिंग का नेचर, स्प्रिंग का मटीरियल। तो स्प्रिंग के मटीरियल के लिए यहां पर क्या लगता है, कॉन्स्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, के। तो के जितना बड़ा होगा स्प्रिंग उतना हार्ड होगा, स्टिफ होगा, उसको खींचना उतना ही मुश्किल होगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। और स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा
आसानी से खींचेगा, के उतना कम होगा, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मटीरियल ऑफ स्प्रिंग, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें निकालना नहीं होता। तो के का मतलब क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट? नहीं ऐसा नहीं है, एक किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, बड़ा छोटा स्प्रिंग, उन पे होता है, हम ये स्टडी नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स पे आ जाओ, जो स्प्रिंग की फोर्स है उसके अंदर भी क्या लगेगा, के, एक ही बात है, उसमें भी के लगता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, क्योंकि जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा स्प्रिंग की फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। तो मेरी फोर्स और स्प्रिंग की फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, फर्क क्या है, दोनों की डायरेक्शन। मेरी फोर्स अगर राइट है तो स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट है, इसलिए स्प्रिंग की फोर्स के आगे साइन क्या लगता है, नेगेटिव। तो स्प्रिंग की फोर्स इज माइनस के एक्स, राइट? तो के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, या फिर एक और नाम है इसका, इसको लिखें, दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फोर्स कॉन्स्टेंट, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो स्प्रिंग की फोर्स ऑपोजिट होती है आपकी अप्लाइड फोर्स। कभी कभी इस फोर्स को बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग का मतलब जो वापस रिस्टोर करवा रही है स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब इसमें ये केस था एक्सपेंशन का। अब इमेजिन करो मैं केस लेता हूँ कंप्रेशन का, अब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा, तो इमेजिन करो ये आपके पास एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे, और सपोज मैंने इसे दबा दिया, ये मैंने इसे दबा दिया और यहाँ रोक दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, दबाया मैंने, ठीक? तो अब मुझे पता है कि एफ दबाने पे स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, एक्स। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो मैंने इस बार कंप्रेस करने के लिए फोर्स कहाँ लगाई, लेफ्ट। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगी वो कहाँ डेवलप होगी, राइट। स्प्रिंग की फोर्स कहाँ है, राइट, राइट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आपने लेफ्ट पाया तो स्प्रिंग की फोर्स राइट है। तो आपकी फोर्स इज के इंटू एक्स और स्प्रिंग की फोर्स क्या होगी, माइनस के इंटू एक्स, सेम रूल है। तो जो रूल एक्सपेंशन में वो रूल कंप्रेशन में, ठीक है यहां तक? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अब ये स्प्रिंग की फोर्सेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बार जो स्प्रिंग है वो मैंने वर्टिकल अंडर ग्रेविटी ऐसे ले लिया, तो इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, बना लो, तो इसकी नेचुरल पोजीशन है। और जितने भी स्प्रिंग्स हैं वो हमेशा क्या लिए जाते हैं, इसमें मासलेस, स्प्रिंग्स आर मासलेस, मास नहीं लेना। हॉरिजॉन्टल में होता है, हो सकता है मास लगा के धक्का मार दो, बनाऊंगा वो मैं, एक ही बात है, एक फोर्स आके छोड़ दो, ऐसे करके छोड़ दो, आ जाएगा मास घूमेगा। करेंगे हम क्लास में नेक्स्ट टाइम।
तो मान लो ये मास तो है ही नहीं इसमें, लटका हुआ हवा में। सपोज करो आपने यहाँ पे एक मास टांग दिया m और छोड़ दिया, क्या होगा? अब ये मास नीचे जाएगा, स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर करके कभी ना कभी रेस्ट पे आ जाएगा। तो मान लो आपका स्प्रिंग एक्सपैंड हुआ और यहाँ पे किस पे आ गया, एट रेस्ट। पर एक्चुअल में जब जैसी आपने इसको छोड़ा था, ये ऐसे थोड़े ना हुआ यहाँ से यहाँ आ गया ना, ये काफ़ी नीचे गया था, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, करते 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 ये यहाँ पे आया रेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो रेस्ट पे आने का मतलब ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लिख लें। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगी इस मास के ऊपर। ठीक है, राइट, ठीक। तो नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि इसके नीचे की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? इसका वेट mg, तो mg फोर्स इसको नीचे एक्सपैंड करवा रही है। तो मान लो स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया बाय x, तो यहाँ पर x का मतलब क्या है, इसकी एक्सपेंशन। x का मतलब क्या है, इसकी एक्सपेंशन। ठीक है यहाँ तक? तो ये बताओ अगर x एक्सपेंशन है तो स्प्रिंग के अंदर ऑपोजिट फोर्स कितनी क्रिएट हो गई, kx। आपको के माइनस नहीं लगाया? देखो माइनस तब लगता है जब मैं कोई वेक्टर ना ड्रॉ करूं। यहां तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, तो माइनस क्यों लगाना? माइनस तब है जब मैं बोलूं कि मेरी फोर्स है kx और स्प्रिंग की फोर्स है kx। आपको कि कौन सी फोर्स आपकी, कौन सी स्प्रिंग की, ये स्प्रिंग की फोर्स है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ मेरी फोर्स है इधर, स्प्रिंग की फोर्स है इधर, तो फिर माइनस थोड़ा लगाओगे। माइनस है तो डायरेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ पर डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या स्प्रिंग की फोर्स का, kx। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, तो mg इज इक्वल टू kx। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे कुछ गिवन होगा कि मान लो मास की वैल्यू मान लो गिवन होगी 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालना होगा कि कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्सपेंशन की वैल्यू आपको गिवन है मान लो 1 meter, और तो आप क्या करोगे, 1 × 10 इज इक्वल टू k into 1, तो यहाँ से k की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? और वैसे एक चीज़ बता दूँ मैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, k into x, k क्या होता है, फोर्स बाय x, फोर्स किस में होता है, न्यूटन, और ये किस में है, मीटर, तो k के यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को, सुनिए गाया वो एक और बता दो, कौन सा, फिर से सर माइनस क्यों नहीं लगाया, वो एक और बार बता दो। देखो, एक्स में देखो जब आप इक्वेशंस बनाते हैं ना, तो क्या आपने ऐसा सुना कि 10 इज इक्वल टू -10, नहीं ना, 10 इज इक्वल टू 10 ही सुना ना। तो आप फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, तो डायरेक्शन देखो माइनस साइन डायरेक्शन शो करता है। मैं अगर कोई डायग्राम ना ड्रॉ करूं, हाँ फिर मेरा माइनस लगाना बनता है, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। पर जब मैंने वेक्टर में ही ऑपोजिट दिखा रहा हूं मैं आपको, तो फिर क्यों लगाऊंगा माइनस। फोर्स माइनस का मतलब ये होता है कि इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑलरेडी वेक्टर शो कर रहा है इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू kx है। ठीक, ये ऐसे okay, कर लो कि मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से इक्वेट किया, सिंपल ऊपर और नीचे की फोर्स को इक्वेट कर दिया। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? तो अगला लेक्चर इसी के ऊपर है, वैसे नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर काम करेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। ठीक है,